नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आईटीआई में जो एग्ज़ाम होता है इस बार से दोस्तों आईटीआई है जो आपका कर दिया गया है ईयर वाइज, लेकिन जो इसके पहले था जो सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर यानी चार सेमेस्टर था, लेकिन इस बार से जो है जो अब जो एग्ज़ाम होगा 2018 से सेशन से जो भी एग्ज़ाम होगा वो सब ईयर वाइज होगा, यानी आपका साल में एक एग्ज़ाम होगा। पहले था सेमेस्टर वाइज, तो इसमें क्या किया है दोस्तों, मतलब सिलेबस वही है बस, खाली क्या किया सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड को कंबाइंड करके फर्स्ट ईयर कर दिया गया है, और यानी सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड को मिला करके फर्स्ट ईयर हो गया है, और आपका थर्ड और फोर्थ का जो मिला करके कर दिया गया है सेकेंड ईयर, यही आपका कर दिया गया। इसी तरह से आपका एग्ज़ाम होगा। तो चलिए आपका WCS में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था, किस तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्वेश्चन पूछा जाता था उसके बारे में बताऊंगा। ये जो है जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन है। देखिए पेपर सेकेंड वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, पेपर में भी आपको इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव आपका WCS में ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑब्जेक्टिव और प्लस में आपका ड्राइंग बनाने के लिए दोनों दोनों हो सकता है। इसलिए चले चलिए हम लोग देख लेते हैं किस तरह का पैटर्न है। चलिए देखिए WCS में आपका टोटल आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका जो है जो आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। देखिए 25 क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिए 25 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका ड्राइंग का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन जो है जो ड्राइंग में था पहले क्या था, जिनका अभी भी जो इनका बैक लगा हुआ है या जिनका एग्ज़ाम है उनका पेपर सिस्टम जो पेपर सेकेंड में आपका इसी तरह से रहेगा, यानी कि टोटल आपका 50 क्वेश्चन रहता था 150 नंबर का, और जिसमें आपका 25 क्वेश्चन आपका WCS का और 25 क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव यानी MCQ क्वेश्चन रहता था। चलिए किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और किस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया था उसके बारे में बताऊँगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 0.1 × 0.001, यानी इसमें सिंपल क्या करना, 1 यहाँ से 0.1 है तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर इंटू है 0.01 यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आपका 100 हो जाएगा, यानी 1 by 1000 को लिख सकते हैं 0.001, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये आपका इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम में मैं आपको बता, यहाँ आपका हो जाएगा दोस्तों n² - 3n/2 होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पर जब करेंगे तो इसका वैल्यू 36 - 18/2 यानी 18/2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है, तो 3/5 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करें, उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा आपका 60%। चलिए इसको दशमलव ये परसेंटेज में दिया, इसको दशमलव में बदलने के लिए कह रहा है, तो सिंपली हम लोग जानते हैं दोस्तों दशमलव बदलने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, जब इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 8/100।
1000, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा 0.008। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 में निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम संख्या घटाने पर परिपूर्ण बनेगा। तो अगर 176 में हम 7 माइनस करते हैं तो आपका हो जाएगा 169, जो कि आपका 13 का स्क्वायर है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। क्या न तो निर्माण किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा को न ही निर्माण किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन दोस्तों मिसप्रिंट था, लेकिन आप जब इंग्लिश में चेक किया जाए तो इंग्लिश में आपका सही दिया हुआ है। देख लीजिए, मैं आपको दिखा, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था, टू फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स एनर्जी बी यूज द फॉर्मूला MgH। यहाँ देखिए MgH दिया हुआ है इंग्लिश में, जबकि हिंदी में ये मिसप्रिंट था, इंग्लिश में क्या था, मिसप्रिंट था। अगर दोस्तों आपको लगे कि क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो आप सबसे इंग्लिश को इंग्लिश में आप एक बार देख लें, क्योंकि आपका एग्जामिनर है जो इंग्लिश से क्वेश्चन को ही प्रीफर करता है। अगर आपका हिंदी में कहीं मिस्टेक है तो वही हिंदी को हिंदी का कैलकुलेशन नहीं करता है, बल्कि इंग्लिश का कैलकुलेशन करता है कि इंग्लिश में वो क्या दिया हुआ है। इसलिए आप लोग कहीं पर डाउट हो तो इंग्लिश में आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो चलिए, फॉर्मूला MgH का उपयोग करके हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है MgH। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का होता है हाफ MV2। चलिए नेक्स्ट ड्राइंग की ओर चलते हैं। चलो ड्राइंग का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ड्राइंग में भी आपका 25 क्वेश्चन पूछा गया था। साधारण स्केल में कितनी इकाइयाँ होती है, तो साधारण स्केल में 2 इकाइयाँ होता है, 1 इकाई होता है, 1 भिन्न होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है BIS का पूर्ण रूप क्या है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS का फुल फॉर्म होता है। किसी ठोस के लिए बनाए जाने वाले टी स्क्वायर के आधार की सिरा क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं वर्किंग एज, इसको क्या कहते हैं, वर्किंग एज। ड्राइंग प्रिंट्स की फोल्डिंग का सिद्धांत भारत में IAS कितना के अंतर्गत लिया गया है, तो इसका याद रखिएगा 1166/4/1986 में ये आया था, इसलिए 1166/4/1986 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। सेक्शन एरिया का हैचिंग लाइन द्वारा दर्शाए जाते हैं जो सामान्यतः झुकी होता है, तो याद रखें हैचिंग लाइन है जो हमेशा कैसे बनाते हैं, तो 45 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है, आपका 45 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। ड्राइंग बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स और डैश की क्षतिपूर्ति के लिए शॉर्ट कट लगाए जाते हैं, तो इसका याद रखिएगा बाइंडिंग और सीरिंग के लिए आपका शॉर्ट कट लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड का आकार D1 जिसमें L×W×T इनमें से किसके आकार के होते हैं, यानी लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्या होता है, तो इसका याद रखिएगा D1 का होता है 1000×700×25। आपका ये सब क्वेश्चन दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था जब LP का CVT 2 का एग्जाम में आपका ड्राइंग पूछा गया था, ड्राइंग से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको मैंने वीडियो बनाया हूँ, 6-7 वीडियो करीब है, वो आपका जा करके आप उस वीडियो को देख लें, उससे बहुत आपको मदद मिलेगा, आपका लगभग सारा क्वेश्चन आपका उससे रहेगा, ऑब्जेक्टिव अगर पूछता है तो आपका उसी से पूछा जाएगा, तो आप लोग एक बार जाकर वो वीडियो को देख लें, आपको उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये डी नोट का याद रखिएगा 1500×1000×25, इसका होता है D1 का आपका हो जाएगा, ये D1 का हो जाएगा 1000×700×25, यानी 1000 इसका लंबाई, 700 चौड़ाई और 25 इसका मोटाई। उसी प्रकार D2 का 700×500×15, D3 का 500×350×15। 2H पेंसिल डैश से कठोर होती है, तो याद रखिएगा 2H पेंसिल है जो H पेंसिल से कठोर होती है, यानी जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे H के बाद 2H आएंगे, 3H आएंगे, 4H आएंगे, वैसे वैसे क्या होता है ये पेंसिल की कठोरता बढ़ते जाती है। HB आपका नरम पेंसिल है यानी सॉफ्ट पेंसिल है। नेक्स्ट देखिएगा, डैश का उपयोग केवल क्षैतिज रेखाओं बनाने के लिए किया जाता है, ऐसे सारा क्वेश्चन दोस्तों आपका मैंने डिस्कशन किया हूँ, रेलवे का जो
आपका ड्राइंग का सेपरेट एक प्लेलिस्ट में आपका वीडियो होगा, आप प्लेलिस्ट में वहाँ से जा करके देख लीजिए, एक ही प्लेलिस्ट में आपका सारा कुछ दिया हुआ है। डैश का उपयोग करके केवल क्षैतिज रेखाएं बनाने में होता है, तो टी स्क्वायर के द्वारा क्षैतिज रेखाएं बनाई जाती है। ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पिन या थंबनेल्स या क्लिप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। सामान्यतः लकड़ी की ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन में होती है, तो षष्ठभुजा कार्य। निम्न में से लकड़ी की पेंसिल का कौन सा सिरा सीधी रेखा खींचने के लिए किया जाता है, तो शक्वाकार। क्षैतिज रेखा वह रेखा जो निम्न में किस तल के सापेक्ष होती है, तो पृथ्वी के आपका समानांतर खींची जाती है, क्षैतिज रेखाएं। ड्राइंग शीट को फोल्ड करने पर उसका डैश हमेशा ऊपर होना चाहिए, तो उसका याद रखिए टाइटल बॉक्स जो है हमेशा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि टाइटल बॉक्स में आपका ड्राइंग का सारा डिटेल लिखा रहता है, इसलिए टाइटल बॉक्स को फोल्ड करते समय हमेशा टाइटल बॉक्स को ऊपर रखें। ड्राइंग शीट पर शीर्षक टिप्पणी आदि लिखना क्या कहलाता है, तो लेटरिंग कहलाता है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग में 420x594 आकार के ड्राइंग शीट को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो 420x594 को बोला जाता है A2। ये नोट का याद रखिए 841x1189 ट्रिमिंग, ये सब ट्रिमिंग साइज है। A3 का 297x420, A4 का 210x297। नेक्स्ट दोस्तों देख ले, वह रेखा जो किसी बिंदु अथवा एरो हेड पर ही समाप्त हो जाती है उसको क्या कहते हैं, तो लीडर लाइन। इसको याद करते हैं लीडर लाइन, जैसे मान लीजिए ये आपका एरो है, एरो के बाद यहाँ पर जो समाप्त होता है उसको बोला जाता है लीडर लाइन। इंक्लाइन लेटरिंग में अक्षरों का झुकाव बाईं ओर से कितना होता है, तो बाईं ओर से 75 और दाहिनी ओर से याद रखिएगा 15, दाहिनी ओर से 15 आपका बाईं ओर से 75। अक्षरों के आकार को निम्नलिखित अक्षर या फिर सिर्फ ये लिखा रहा है कि इंक्लाइन लेटरिंग में अक्षरों का झुकाव कितना होता है, तो उसमें अगर दायां बायां कुछ नहीं दिया रहे तो 75 दोस्तों टिक कीजिएगा। अक्षरों के आकार को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसकी मोटाई के अनुसार अक्षरों को बांटा जाता है। उसके बाद IS 1166/5 1985 के द्वारा अनुशंसित क्लास वर्क में प्रयुक्त ड्राइंग शीट के बाईं ओर डैश का मार्जिन छोड़ना चाहिए, तो बाईं ओर 20 का मार्जिन छोड़ा जाता है दोस्तों, याद रखिए बाईं ओर 20 का और दाहिनी ओर से आपका 5 का छोड़ा जाता है, यानी बाईं ओर ज़्यादा मार्जिन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्राइंग इंजीनियरिंग में ड्राइंग की डिस्टेंस ऑब्लिक डिवाइडेड बाय वस्तु का डिस्टेंस को क्या चीज़ से व्यक्त किया जाता है, इसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन फैक्टर यानी RF। RF बराबर आपका होता है ड्राइंग की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वस्तु की डिस्टेंस। सेक्शन एरिया दर्शाने के लिए सामान्यतः तौर पर किस लाइन का उपयोग किया जाता है, तो हैचिंग लाइन का, याद रखिएगा। वह स्केल जिसका अनुपात 1:1 से अधिक हो तो उसको कहेंगे इनलार्ज स्केल, अगर 1:1 हो तो उसको कहेंगे फुल स्केल, अगर मान लीजिए 1 से छोटा हो तो वो उसको कहेंगे क्या आपका, उसको कहेंगे हम लोग रिड्यूसिंग स्केल। सेक्शन लाइन के बीच का अंतराल होना चाहिए, तो 1 से 2 mm तक आपका अंतराल होता है। सेक्शन रेखाओं कैसी रेखाओं, डैश रेखाओं जिनके बीच का अंतराल समान होता है, यानी पतली लाइन, सेक्शन लाइन बनाने के लिए पतली लाइन खींचा जाता है। ये था आपका ड्राइंग का टोटल क्वेश्चन दोस्तों। और भी अधिक क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको और भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।